हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल शिवानी व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। एंड मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। ये मैंने रात में ही बॉयल छोले भिगो कर रखे थे, तो मुझे पता था कि सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले इनको बॉयल करने रखना है। तो इसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए। मैं बॉयल करते टाइम ही खड़े मसाले डाल देती हूँ। एक इसमें मैंने एक आलू भी डाल दिया है, जिससे ग्रेवी में अच्छे से जो मैश हो जाएगा तो बहुत अच्छा हमारी ग्रेवी का टेक्सचर हो जाएगा एंड टेस्ट भी अच्छा आता है छोले में आलू का। और इसमें हमने खड़े मसाले में छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग, काली मिर्च और दालचीनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो सब डाल दिया है। मैं बॉयल करते टाइम ही छोले में ये सब डाल देती हूँ, जिससे छोले में उसका जो खड़े मसाले का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से आ जाता है। एंड ये मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ, इससे छोले का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। ये एक हमें कॉटन का एकदम पतला सा सॉफ्ट सा कपड़ा ले लेना है, उसमें हम एक 1 टीस्पून चाय पत्ती बांध करके छोले के साथ ही डाल देंगे बॉयल करने के लिए, जिससे कि, और इसमें पानी डाल करके हम इनको प्रेशर कुक कर लेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे और बिल्कुल 2 से 3 चुटकी हमें बेकिंग सोडा डालना है। एंड दैट्स इट, अब इनको हम अपना प्रेशर कुक करने के लिए रख देंगे 5-6 सीटी। पहले हम लो फ्लेम पर रखेंगे, फिर हाई फ्लेम पर करके इसको 3 से 4 सीटी ले लेंगे। ये देखिए, यहाँ जो हमने छोला रखा था वो अच्छे से बॉयल हो गया है। इसमें भी गैस है तो हम इसको खोलेंगे नहीं, अपने आप इसकी जब गैस निकल जाएगी उसके बाद खोलेंगे। और ये देखिए, मेरा पोहा बन के हो गया रेडी, मेरा ब्रेकफास्ट। और ये मैंने अपने अथर्व के लिए ओट्स बनाया है। तो मैंने नहा लिया है, पूजा कर ली है और बस अभी मुझे अथर्व को बनाना खिलाना है, उसके बाद चलते हैं किचन में। एंड आज हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे, और बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी है। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ और ये आप लोग देखिए। और अभी बस मैं बनाना खिला देती हूँ अथर्व को, उसके बाद चलते हैं किचन में। हाय करो। हाय। आपके हेयर ड्राई हो जाएंगे, फिर मैं इनमें ऑयल लगा दूंगी। ओके, ओके, जल्दी जल्दी च्यू करो, फास्ट। नो नो, च्यू करो। अतो वेयर इज बैटमैन, वेयर इज बैटमैन, ओ दिस इज बैटमैन। सुबह छोले बॉईल किए थे, ये बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें कलर भी बहुत अच्छा है। इसमें हमने ये जो चाय पत्ती बांध कर एक कपड़े में डाली थी, इसको हम निकाल कर अलग कर देंगे। और बस अब इसके लिए जल्दी से ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने एक ये जार ले लिया है, इसमें हमें ग्रेवी के लिए मैंने लहसुन, मिर्च और ये अदरक और प्याज लिया है। टमाटर हम बाद में करेंगे। तो सब कुछ हम इसमें जार में डाल करके इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। इसको मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ, आप गैस पे कैसे भी बना सकते हैं। कढ़ाई को हीट करेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे। हमें इसमें डालना है जीरा और ये तेज पत्ते, हींग डालेंगे थोड़ी सी, बाकी हमें सूखा मसाला कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, खड़े मसाले
कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आपने देखा मैंने छोले बॉईल करते टाइम ही इसमें सब कुछ डाल दिया था। तो सिर्फ हमें इसमें इतना करने के बाद ये जो हमने इसका प्याज लहसुन का पेस्ट बनाया है जब तक ये प्याज भुन रही है तब तक हमने जो टमाटर चॉप करके रखे हैं इनको भी हम रफली चॉप किए हुए टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमने टमाटर की प्यूरी बना ली है, अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर की प्यूरी और तुरंत ही हम इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ताकि ये जो मसाला है वो जल्दी से भुन जाए। टमाटर डालते ही किसी भी सब्जी में सबसे पहले नमक डालें, देखिए टमाटर हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं। देखा आपने अभी हमारा मसाला जो है वो, चलिए देखते हैं फिर। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने सूखे मसाले। सबसे पहले धनिया, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच स्पून धनिया डाला है। थोड़ा सा मैं लाल मिर्च कम डालूंगी क्योंकि तीखी भी है और मेरे बेटे को भी खाना है इस वजह से। और हल्दी 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, गरम मसाला। मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी जीरा पाउडर एंड थोड़ा सा अमचूर पाउडर, दैट्स इट। बस यही हम मसाले डालना है। खड़े मसाले हम पहले डाल चुके थे छोले में, बाकी के मसाले सूखे मसाले हमारे लिए हो गए हैं डल के रेडी। अब हमें इनको फिर से भूनना है, हमें वेट करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से भून जाए और तेल छोड़ने लगेंगे, तब समझेंगे हम कि हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो गया है। और आप कलर देखिए इसका कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये देखिए हमारा मसाला धीरे धीरे भूनता जा रहा है, ऑलमोस्ट डन है। अब हम भटूरे की तैयारी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ी सी सूजी 1/4 कप सूजी को पानी में भिगो करके रखूंगी। ये देखिए मैंने इतनी सूजी ली है 1/4 कप। जैसे 2 कप आपको मैदा लेना है तो उसका 1/4 कप आपको सूजी ले लेना है। इसमें हम पानी डाल करके इसको 15 मिनट्स के लिए रख देंगे सोक करने के लिए, जब तक हमारे छोले भी बन के रेडी हो जाएंगे। फिर ये देखिए मुझे थोड़ा सा जो मैश होते हैं छोले वो पसंद है, और खड़े खड़े मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसमें ही इसको थोड़ा सा ये स्पून से मैश कर लेती हूँ। इसमें जो हमने आलू डाला था वो भी अच्छे से मैश कर लिया है, ताकि ये ग्रेवी थोड़ी हमारी थिक हो जाएगी। एंड बस अब हमारा ये मसाला अच्छे से पक के तैयार है, इसमें हम अपने छोले डाल देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है छोले में, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए मैंने धनिया चॉप करके रखा था, ये हम इसके ऊपर धनिया से गार्निश कर देंगे। ये देखिए सब्जी का कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में। Thank you.
छोले भटूरे बहुत अच्छे बने थे, सबको पसंद आए हैं। एंड ये था मेरा आज का ये मॉर्निंग लंच रूटीन। और आप जरूर ट्राई करिए छोले भटूरे की रेसिपी। एंड बस अथर्व अभी सोकर उठाऊंगी। अथर्व अभी सोकर उठा है। और बताइए आप मेरा व्लॉग एंजॉय कर रहे हैं। ये तो मेरा सेकंड व्लॉग है, लेकिन उससे जुड़े रही और भी एंटरटेनिंग एंड अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए, अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए।